के रखे हो गाड़ी में। नहीं टोपी है बेटा, लाइन तो देखो फिर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड खुशहाल होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं आपको सैर कराती हूँ रानी बाग की, जो कि मुंबई का जू है। और आप जो इतनी लंबी लंबी लाइन्स देख रहे हो ना, ये एक्चुअली टिकट्स की लाइन है। और अभी हम लोग आए हैं फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, तो व्लॉग में आगे बने रहिए, मैं पूरा रानी बाग की सैर आपको कराऊंगी। और जब तक टिकट्स निकाली जा रही थी तब तक हमने सोचा कि चलो जो यहाँ पे स्टैचू जू है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल बनाया हुआ है और उसके अंदर ऐसे क्रोकोडाइल है, पेंगुइन है और ये सब स्टैचूज़ हैं। बाकी जो रियल एनिमल्स है वो सब अंदर है। और टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़। पहले तो 5 रुपया था जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी, और अभी 50 रुपीज़ कर दिया है। हाय करो अरहान, अजान, माशाल्लाह, चलो अजान। नहीं गिरोगे बेटा। बोलो जल्दी, वाह उधर से आ जाओ, उधर से आ जाओ। नहीं गिरोगे बेटा, मैं हूँ ना, पकड़ो। से हाय, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लिविंग, हैप्पी लिविंग विद अजहर खान। भाभी स्माइल करो, से हाय, वेलकम टू हैप्पी लिविंग। तो जू में जैसे ही एंट्री करेंगे तो सबसे पहले एलिफेंट दिखता है एंड उसके बाद अगेन यहाँ लंबी चौड़ी सी लाइन है। जब हमने पता किया कि ये किस चीज़ की लाइन है फिर से, तो पता चला कि ये लाइन टाइगर के लिए है और ये बहुत लंबी लाइन थी। एक्चुअली यहाँ पे पहले ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे, ज़्यादा क्या 5-6 एनिमल्स थे, और अभी कुछ नए एनिमल्स ऐड किए हैं इन लोगों ने। तो लुक एट द बेयर। टाइगर के केस के जस्ट अपोजिट साइड में बेयर था, तो हम लोगों ने बेयर देख लिया और उसके बाद टाइगर के लिए लाइन में खड़े हो गए। टाइगर भाई सो रहे हैं, इतना मेहनत किए। और टाइगर शायद सच में सो रहा था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे हाफ एन आवर वेट किया जस्ट टू सी द टाइगर एंड फाइनली हमको देखने मिला। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम टाइगर को लाइव देख रही थी एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम। अब तक मैंने सिर्फ डिस्कवरी और बुक्स में देखा था टाइगर को, बट आज मैंने लाइव देख लिया। चला तिकडे, तो टाइगर हमको दिखाई नहीं, लेकिन बाद में कुछ ही सेकंड में टाइगर ने रोर भी किया, पानी में भी गया, वॉक भी किया। एक अच्छा खासा पैसा वसूल वाला शो टाइगर ने दिया था हमको। अच्छा, उसके बाद हम लोग ये शायद जैकल देखने आए थे, बाहर बोर्ड लगा था जैकल का, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अंदर मे भी हो सकता है बट हमको दिखा नहीं। हम बहुत टाइम तक यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे थे एंड देन आफ्टर हियर वी आर
आई गेस ये लोग लेपर्ड है, हाँ ये लेपर्ड थे, ये दो लेपर्ड थे। ये लोग चुपचाप एक जगह पे शांत एकदम बैठे थे, आई नो उनको खाना नहीं मिला था, भूख लगी थी कि क्या पता। एवरीवन से हाय, आयशा जी हाय बोलो, आपने बहुत बड़ा रोल निभाया आज। अभी हाय तो बोलो, सना हाय बोलो, तो हैप्पी लिविंग, क्या चाहिए। उसके बाद हमने एक ब्रेक लिया था कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे अभी अंदर कैंटीन भी बनाया है, अच्छी खासी जगह बना दी गई है। जल्दी ला जाओ जल्दी, वन टू थ्री। जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल ले। आए डाब भी नाचो जल्दी, सोने इसको। काफ़ी अच्छा बना दिया है अभी रानी बाग को। पहले तो मैं दो तीन बार गई हूँ, लेकिन वहाँ पे चलना इतना भारी पड़ता था, बट आज अच्छा लगा। उसके बाद नाश्ता वगैरह हो गया था, फिर से हमने स्टार्ट की हमारी ज़ू की जर्नी। तो ये है सांबर, इसको और क्या बोलते हैं मुझे सीरियसली नहीं पता, मैं अभी बोर्ड दिखा दूँगी आपको। तो ये है सांबर, हाँ इसको बोलते कुनातिल हरिणे, मतलब शायद जंगल का हिरन, राइट जंगल का हिरन, हाँ। तो ये है सांबर, जंगल का हिरन। फिर वहां पर बच्चों जैसे सोया रहा, ए भाग गया भाग गया भाग गया। बार्किंग डियर, स्वैम डियर और मेरा भाग गया। गुड ग्रैंड असम, हां ये पकड़ दो अजान को आयशा। ये है बारहसिंगा, अगर आपको पता होगा तो पुराने ज़माने में ऐसा क्रेज़ था कि लोग इसका शिकार करके इसका सिंग लेके आते थे और दीवार पे डेकोरेट करके ऐसे लगाते थे। अच्छा उसके बाद ये हम लोग आ गए थे हाइना देखने के लिए, लेकिन हमको दिखा नहीं हाइना, शायद सो रहा होगा। अबे वो जो सर छोड़ी है, लेपर्ड का खुला हुआ है देखिए। उसके बाद ये है हिप्पोपोटामस, और ये दो जगह पे था, एक जगह पे थोड़े छोटे छोटे ये दो थे, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी दो थे जो शायद बड़े थे। तो ये भी ये देखिए, ये यहाँ पे दो थे और वहाँ पे दो थे। अच्छा अगर आप रानी बाग जा रहे हो ना, तो कंफर्टेबल शूज़ या स्लीपर पहनो, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, बहुत थक जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे था गोल्डन जैकल जो नहीं था अंदर, पता नहीं कहाँ था। और ये देखिए मैं थोड़ी सी ग्रीनरीज आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा कर दिया अभी रानी बाग को। और ऑल्सो अगर आप बच्चा लेके जा रहे हो ना, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बहुत क्राउड है वहाँ पे। और आपको सच बताऊँ तो आयत दो मिनट के लिए गुम गई थी, वो एक्चुअली इतना भाग रही थी कि उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और फिर एक लेडी ने उसको फाइनली हमको ला के दी, तो वी आर रियली थैंकफुल टू हर। उसके बाद यहाँ पे ये स्पॉटेड डियर देखने आ गए थे। पहले तो ये स्पॉटेड डियर एकदम ओपन रहते थे, अभी सारे एनिमल्स के लिए एक ऐसे अलग अलग जगह बनाई है, एंड उसके बाहर ऐसे प्रोटेक्शन के लिए ग्लास लगा दिया, तो काफ़ी काम किया इन लोगों ने अभी। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पेंगुइन देखने के लिए। यहाँ पे एक्चुअली फ़ोन अलाउड नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की और मेरे हस्बैंड ने भी, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा वीडियो निकाला है जस्ट टू शेयर विथ यू ऑल। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बैठ गए थे, और बच्चों की एनर्जी स्टिल ऑन थी। एक्चुअली रानी बाग बहुत बड़ा है, हम लोग चलते चलते थक गए थे, और फाइनली हमने डिसाइड किया कि नाउ वी आर मूविंग आउट फ्रॉम रानी बाग। तो निकलते निकलते हमको ये शायद अफ्रीकन पैरट्स थे तो ये दिखे, और फिर वहीं पर नज़दीक में ही एक रेस्टोरेंट में हमने खाना खा लिया। कुछ एनिमल्स हमारे देखने रह गए थे, लाइक स्नैक हो गया, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड छोटे छोटे जो बर्ड्स वगैरह थे वो, तो मे बी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आज हम लोग बहुत थक गए थे। एंड उसके बाद हम लोग निकल गए थे मुंबई टूर के लिए, तो हम लोग ऐसे गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव ऐसे होते होते फिर हम लोग गिरगांव चौपाटी गए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है लाइटिंग्स वगैरह, ये एक्चुअली बीटी है। क्या कर रही हूँ मैं? बड़ा सही नहीं है।
अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे दो ही फैमिली बचे थे, एक फैमिली चली गई थी, उनके घर पे गेस्ट आने वाले थे तो वो लोग चले गए थे और फिर यहाँ पे हम लोग चौपाटी पे इंजॉय कर रहे थे। अच्छा, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको मुंबई का ज़ू कैसा लगा। वैसे देखा जाए तो हर इंसान की लाइफ किसी ज़ू या सर्कस से कम नहीं है, बट हम इंसानों को जानवरों के शो देखने ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे पापा और बेटी मिलके एक घर बना रहे थे जू में। अच्छा, अभी मैं आपको ना अंबानी की जो बेटी है ईशा अंबानी, उनका घर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है उनका घर। ये हमको लौटते टाइम रास्ते में दिखा तो आई थॉट कि चलो ये भी शूट कर लेती हूँ। हम लोग वहाँ से 9 बजे निकल गए थे, 9:15 बजे। एक्चुअली 9 बजे से ही चौपाटी खाली कराना चालू कर दिया था वहाँ पे जो BMC वाले थे उन लोगों ने। जो शॉप्स वगैरह थी दे आर स्टिल ओपन, वो लोग अपना वाइंड अप करते रहेंगे। एंड अभी हम लोग हैं वर्ली सीलिंग पे। तो यही था मेरा आज का रानीबाग का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। And for now, bye-bye. See you soon in the next video. Take care.